नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त सोनू तनवर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त सोनू तनवर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप दो लाठियों की स्पीड कैसे बढ़ाओगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई दो लाठियों से स्पीड कैसे बढ़ाएं। प्रॉब्लम को समझो, यहां पर आप प्रॉब्लम को समझो कि दिक्कत आ कहां पर रही है। दोस्तों, बचपन से हम किस हाथ से काम करते हैं? सीधे हाथ से। जो लेफ्ट है उसके लिए अलग है, नॉर्मली हम जो है अपने सीधे हाथ से काम करते हैं बचपन से। तो क्या होगा कि ये हाथ हमारा परफेक्ट है, लाठी को लेकर नहीं, हर चीज़ को लेकर ये हाथ परफेक्ट है। बात करें उल्टे हाथ की तो वो कम परफेक्ट होता है हर चीज़ को लेकर। लाठी के अंदर ही नहीं, हर चीज़ को लेकर वो है कमज़ोर होता है। हम सीधे हाथ से बचपन से काम करते आ रहे हैं, उल्टे हाथ से कम काम करते हैं। तो प्रॉब्लम दो लाठियों को लेकर यहीं पर आती है कि हम जो है सीधे हाथ से अच्छा खासा लाठी को घुमा लेते हैं, उल्टे हाथ से नहीं घुमा पाते। तो सॉल्यूशन क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी ज़्यादा। किस हाथ से? उल्टे हाथ से। उल्टे हाथ से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ज़्यादा आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने उल्टे हाथ पर ज़्यादा ध्यान दें। उल्टे हाथ से जिस मूव को आप दो लाठियों में कर रहे हो, उस मूव को आप जो है उल्टे हाथ से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। पहले एक बार आपके उल्टे हाथ पर जो है मूव जम गई, फिर आप बेहतरीन कर जाओगे गारंटेड, क्योंकि आपका सीधा हाथ ही परफेक्ट है। लेफ्ट हैंड आपने परफेक्ट कर लिया प्रैक्टिस के बाद, डेफिनेटली आप जबरदस्त करोगे। तो प्रॉब्लम यही होती है कि हम अपने उल्टे हाथ को जो है ट्रेन नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए आपको जो है अपना लेफ्ट हैंड ट्रेन करना है लाठी को लेकर। इस चीज़ को आप माइंड में रख लीजिए अपने, तभी आप जो दो लाठी की स्पीड बढ़ा पाओगे। और एक बार जब आप दोनों हाथ आपके जम गए लाठी को लेकर, ठीक है, उस मूव को लेकर टेक्निक आप समझ ही चुके हो, तो डेफिनेटली आप जो है बहुत अच्छा करोगे। तो दोस्तों, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? यही प्रॉब्लम है, आपको अपने लेफ्ट हैंड पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को जल्दी से कवर नहीं कर पाता है। सीधा हाथ बहुत जल्दी कवर करता है, तो यही प्रॉब्लम है, इसी पर काम करना है। प्रैक्टिस आपको ही करनी है अगर आप सीखना चाहते हो तो। अगर आप किसी चीज़ में परफेक्ट रहना चाहते हो तो प्रैक्टिस आपको ही करनी होगी। ध्यान दीजिए अपने उल्टे हाथ पर ज़्यादा, सीधे हाथ पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन उल्टे हाथ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि जब आप दो लाठियों को एक साथ चलाओगे, किसी भी मूव को जो आप सीख रहे हो, तो आप बेहतर कर सको। यही है जो छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान देनी होती है। इसी चीज़ के अंदर नहीं, हर चीज़ के अंदर आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देकर ही आप जो है किसी भी चीज़ में परफेक्ट बनोगे। तो दोस्तों, यही था आज वीडियो का टॉपिक। आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी आपके सवाल हैं, लाइक करके वीडियो में अपने प्यार जरूर दिखाइएगा। मिलते हैं जल्द आपसे एक वीडियो में। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, तभी जो है सब्सक्रिप्शन का पूरा फायदा होता है, ताकि आप जो है वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। तो मिलते हैं जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। I can see.